आज मैं शेयर कर रही हूँ रवा उपमा की ऐसी हेल्दी रेसिपी जिनको बनाना बहुत ही आसान है। साथ में ये 10 से 15 मिनट के अंदर रेडी हो जाते हैं। इनको आप बच्चों के टिफिन लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं। तो चलिए इस हेल्दी नाश्ते को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, उपमा बनाने के लिए हमने एक कटोरी सूजी ली है जो कि मोटी वाली है। सूजी आप मोटी वाली ही उपमा बनाने के लिए लें ताकि वो खिली खिली बनेगी। तो इसके बाद हमने वेजिटेबल्स कुछ ले लिए हुए हैं। गाजर कटी हुई है, मटर ताज़ी, प्याज, अदरक लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ा सा काजू, मूंगफली का दाना, राई तड़के लगाने के लिए, साथ में नींबू, नमक। सबसे पहले पैन को गैस पर रख के गर्म कर लेंगे। उसमें एक चम्मच हम घी डाल देंगे। अब इसमें सूजी को डाल करके अच्छे से हम रोस्ट कर देंगे। धीमी आंच पे हम करेंगे, लो फ्लेम पे। मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले, इस तरह से हम इनको लगातार चलाते रहेंगे ताकि सूजी जो है बिल्कुल डार्क कलर में ना आए। लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए सूजी को। अब इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है तो गैस को ऑफ कर देंगे। अब दूसरी कढ़ाई में हमने एक चम्मच तेल गरम कर लिया है, उसमें हम मूंगफली का दाना डाल देंगे और इनको रोस्ट कर लेंगे और साथ में काजू भी। रोस्ट अच्छे से हो गए हैं, इनको हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब कढ़ाई में हम सरसों के दाने डाल देंगे, चटकने देंगे इसको। जब सरसों के दाने चटक जाए तभी बाकी चीज़ डालें, नहीं तो क्या वो दाने होते हैं जो कड़वाहट लगेंगे। इसके बाद एक सूखी मिर्च, साथ में एक चम्मच उड़द दाल, साथ में एक चम्मच चना दाल, कटी हुई लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, सभी चीज़ों को डाल करके अच्छे से हम भून लेंगे। करी पत्ता भी डाल देंगे साथ में। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमको भून लेना है, लो फ्लेम पे ही भूनना है। अब कटा हुआ प्याज डाल देंगे, इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। बहुत डार्क कलर नहीं इनका करना है, नहीं तो उपमा देखने में सुंदर नहीं लगेगा। इनको भी अच्छे से हम भूनेंगे। तड़के बहुत अच्छे से भुन गए हैं तो अब इसमें हम मटर के डाल देंगे। साथ में गाजर भी, आप और सब्जियां पसंद है बीन्स वगैरह तो भी डाल सकते हैं। इनको अच्छे से हम चला लेंगे। चलाते हुए इनको भून लेंगे और साथ में लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए मटर। सभी चीज़ों को अच्छे से हमने भून लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, जिस कटोरी से हमने सूजी ली हुई थी उसी से तिगुना हम इसमें पानी डालेंगे, यानी कि 3 कटोरी। इस तरह से सही माप से पानी डालेंगे तो बिल्कुल खिली खिली आपकी उपमा बनेगी। और अब इसको ढकना लगा करके हम छोड़ देंगे। साथ में टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और इनको उबाल आने तक पका लेंगे। पानी में बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि उबाल आ गया है, फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। अब जो रोस्ट की हुई सूजी थी इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल करके एक हाथ से हिलाते भी रहेंगे, डालते रहेंगे और हिलाते भी रहेंगे एक हाथ से। इस तरह से सूजी है आप बिल्कुल चिपकी नहीं रहेगी। दो मिनट के लिए हम इनको ढककर लगा के छोड़ देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, आप देख पा रहे होंगे कितना खिला खिला हुआ उपमा बना हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 चम्मच देसी घी हम ऐड कर देंगे। इससे उपमा का जो टेस्ट है और अच्छा आएगा
और साथ में जो हमने रोस्ट करके मूंगफली और काजू रखे थे ना, इसको भी अब ऐड कर देंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप ऐसे ही देख पा रहे हो कितना प्यारा सा बना हुआ है, बिल्कुल एक एक दाने सूजी के खिले हुए हैं। साथ में छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं वो भी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, साथ में जो पहले से जुड़े हुए हैं वो भी हमसे कनेक्ट रहें। अब सब चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया हुआ है और देख भी सकते हैं कितने अच्छे से खिले खिले हैं, बट फिर भी इनको हम कुछ सेकेंड के लिए ढक करके छोड़ देंगे। धनिया के पत्ते को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चलिए इनको सर्विंग बाउल में अब डालते हैं। फ्रेंड्स, हमारी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। देख सकते हैं कितना प्यारा सा, कितना खिला खिला हुआ बना हुआ है उपमा। इस हेल्दी नाश्ते को आप ज़रूर बना के इंजॉय करें। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गया उपमा, साथ में इसको नारियल की चटनी के साथ इंजॉय करें।